स्वर्ण नगरी का काला सच। ब्रेक से पहले हम इसी पर चर्चा कर रहे थे और इस शर्मनाक घटना के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिसे फर्स्ट इंडिया तो पूछेगा ही। सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर क्यों सैलानियों की सुरक्षा यहां पर नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर वाकई में सुरक्षा की जाती तो इस तरीके की घटना एक बार फिर से सामने नहीं आती। आखिर क्यों जैसलमेर में बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, ये तमाम सवाल इस घटना के बाद अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं जिसे फर्स्ट इंडिया तो पूछेगा ही। एक महीने में पांचवी घटना होने के बाद भी आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, क्यों सैलानियों की सुरक्षा राम भरोसे छोड़ी हुई है, जो जिम्मेदार अधिकारी है आखिर वो यहां पर क्या कर रहे हैं, क्या पर्यटन विभाग आवारा जानवरों के आगे अपंग हो गया है, इस घटना के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। वहीं विदेशों में अब इस घटना के बाद छवि खराब हो रही है राजस्थान की, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या विदेशी सैलानी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया भर रह गए हैं, उनकी सुरक्षा अब राम भरोसे हो चली है, क्या प्रदेश में पधारो मारे देश का मतलब अब बस यही बचा है, ये तमाम सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। तमाम सवाल है जिसे जनता भी यहां पर पूछ रही है और फर्स्ट इंडिया भी पूछ रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मनीष जी और विनेश जी, आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, तमाम सवाल है, अब ये सवाल एक अहम ये है कि क्या जो जिम्मेदार अधिकारी है वो आवारा जानवरों के सामने अपंग हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है कि जो ऑफिसर इंचार्ज है, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो आसपास के जैसलमेर के सोनार किले के आसपास के इलाके को ठीक रखें, वहां जो पर्यटक आ रहे हैं उनको कोई सुविधा ना हो। मनीष जी, वहां पर ये भी होती है, एक महीने की ये पांचवी घटना है। जी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इसके बारे में तो जांच के बाद पता चल सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जान से ज्यादा अब एक्शन लेने की बारी आ गई है, क्योंकि पांचवी घटना सामने आ गई है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, अब तो एक्शन लिया जाना चाहिए। मनीष, बिल्कुल सुनिश्चित होना होगा अब तो, क्योंकि जब घटना का रिपीटेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंटली अगर कुछ हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और मुझे लगता है जो नगर परिषद है, इसके बारे में सीधी सीधी उनके पास पावर भी है कि वो कैसी किसी भी ऐसे जानवर को पकड़ के अपने पास उधर ले जा के छोड़ सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी इसी बात का एम्फेसिस करूंगा कि जो नंदीग्राम है, अगर उस विषय पर ठीक से योजना होगी तो जो आवारा सांड की पूरे प्रदेश में समस्या आई है, ठीक है, नंदीग्राम की योजना कब जमीनी पटल पर यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल कागजी चल रहा है, जुबानी चल रहा है, उस पर कितना विश्वास यहाँ पर जनता करेगी, क्योंकि जनता तो उस विदेशी सैलानी को देख रही है जिसकी नाक टूट गई है, कोहनी उसकी टूट गई है, और उसने किस तरीके से विदेशों में अपनी इस घटना का जिक्र यहां पर कर लिया है और विश्व पटल पर यह बात फैल गई है कि जैसलमेर ना ही आओ तो ज्यादा सही है। विनय जी, मनीष जी कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, क्या उस विदेशी सैलानी की जो नाक टूट गई है इसके बाद भी जांच होनी चाहिए? देखिए, जांच नहीं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच से काम नहीं, उनके कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई है। ये दोबारा कोई अधिकारी अपनी कार्यशैली के वो नहीं कर पाए, और जांच होने के जांच से तो क्या है कि वो छूट जाएंगे, कर जाएंगे, लेकिन कार्रवाई हो, उनको दंडित किया जाना चाहिए कानून के तहत, क्योंकि देखिए जिसके हालात में हुए, राजस्थान की पूरी इमेज उन्होंने की वजह से खराब हुई है। अगर शायद वो थोड़े से मुस्तैदी होते, ढंग से काम किया होता तो ये स्थिति नहीं होती। आज राजस्थान में पधारो हमारे देश की जो परंपरा है, कहीं ना कहीं पूरे उसमें चल रही है, गलत हो रही है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से पांचवी घटना एक महीने के अंदर आई है, उससे पहले के तो कार्रवाई होनी चाहिए, और मंत्री जी वगैरह को सबको देना चाहिए कि भैया इनके कार्रवाई हो, जिससे कम से कम और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो कम से कम एक घटना के बाद भी यहाँ पर नगर निगम नहीं चेता, जो जिम्मेदार अधिकारी है वो यहाँ पर क्या करते हुए अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं ना, किस बात का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्या पैसे कमाने का जरिया रह गए हैं पर्यटक? देखिए, पैसा कमाने का जरिया नहीं है, देखिए यहाँ राजस्थान की संस्कृति के हिसाब से लोग देखने आते हैं यहाँ पे, जो चीजें हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो घटना हुई है वो दुखद है और इनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, जिससे कि सैलानियों में रहे कि हाँ भाई किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो कम से कम। विनय जी, हमारे संवाददाता सूर्यवीर यहाँ पर जुड़ गए हैं। मनीष जी, हमारे संवाददाता सूर्यवीर से भी अपडेट ले लेते हैं, फिलहाल अब उस जो घायल सैलानी है उसकी हालत कैसी है? सूर्यवीर, जो विदेशी सैलानी इस घटना में घायल हो गई है उसकी हालत कैसी है, और दरअसल उसने अपनी आपबीती कैसे सुनाई, क्या उसको जैसलमेर पसंद आया?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से विदेशी सेवन ने मलिशा जैसलमेर, इंग्लैंड से जैसलमेर स्वर्ण नगरी घूमने आई थी, एक अपने कैमरे के अंदर जो स्वर्ण नगरी के छवि को कैद करने ले आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने आज अपना दुखड़ा अपने सोशल मीडिया पर भी अपना दुखड़ा रोया। किस तरीके से आज सोशल साइट पे भी उसने अपने जो नाक टूटी हुई और जो लगी हुई है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपडेट की तथा साथ साथ में लिखा कि जैसलमेर में किस तरीके से जो पशुओं की जो समस्या है वो नासूर बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो इस तरीके से छवि है कि जो उसकी सोशल नेटवर्क पर कहीं ना कहीं देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं वो भी लोग देते हैं कि बिल्कुल, और पसंद नापसंद की बात भी हमने इसलिए की क्योंकि हर कोई तारीफों की पुल बांधता हुआ नजर आता है, लेकिन हकीकत से हर कोई दो चार नहीं हो पाता, जो कि इस विदेशी सैलानी ने अब सबको बता दिया कि जैसलमेर दरअसल है कैसा। और हमने नगर परिषद के सभापति और आयुक्त को भी कॉल करने की लगातार कोशिश की है, लेकिन वो फोन यहाँ पर उठाने रहे हैं। सूर्यवीर, क्या आपने उनसे बात की थी, उनका क्या जवाब था? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने उनको पहले कहा था कि किस तरीके से नगर परिषद सभापति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जो जवाब था जो लूखा टूका था कि पहले सभापति से बात करने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम इसके मामले में कार्रवाई कर रहे हैं और आज मैं किसी निजी कार्यक्रम के लिए जैसलमेर से बाहर आई हुई हूँ, लेकिन और नगर परिषद आयुक्त से भी हमने बात की, नगर परिषद के आयुक्त का यही कहना है कि मैं किसी कार्यक्रम के लिए बाहर आया हूँ। कहीं ना कहीं जब जिम्मेदार अधिकारी जब जैसलमेर से बाहर चले जाते हैं तो पीछे जो, ठीक है सूर्यवीर, जरा ये बताइए कि जहां पर ये हादसा हुआ था क्या अभी भी वहां पर आवारा गाय घूम रही है? जी बिल्कुल सही बात है जी पूनम, जब पर्यटन क्षेत्र में सोनार किले के आसपास के परिधि में हर रोज जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो पशु है जो वहां पर घूमते नजर आते हैं, ये घटना घटित होने के बाद भी वहां पर जब अल सुबह हमने देखा तो जिस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि वहां पर जो पशुधन है वो अभी भी घूम रहा है, आवारा पशु अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन ठीक है सूर्यवीर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। मनीष जी, अब इस तरीके की घटनाओं से यही सवाल है कि अब क्या सीख लिया आपने और क्या एक्शन लेने वाले हैं? निश्चित तौर पर पूनम, बात यह है कि जो इफेक्टिव कार्रवाई होनी चाहिए जिससे इसका रिपीटेशन ना हो, एक दूसरी बात कौन यहाँ पर करेगा, अभी भी आवारा पशु वहां पर घूम रहे हैं। आपके सामने हमने बात की इसलिए आपके सामने फोन लगाया गया। जी मैंने यही कहा कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी और यही बात जब वो उन्होंने जैसा बताया है कि वो लौट कर करेंगे। वही अब जो भी उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी है नोटिस तो वही देते हैं, 17 CC का लापरवाही है, पकड़े नहीं गए हैं, कोई वहाँ के डॉक्टर होंगे, जो भी प्रोसीजर है सरकारी वो एक बात है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि इंडिया फर्स्ट इंडिया पर भी इसकी सारी बात आ जाने के बाद ये निश्चित तौर पर एक चेतावनी भरा कदम है और ये रिपीटेशन ना हो इस तरह से लाभ मिलेगा इसका। अब मानते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा और लापरवाही तो हुई है। बिल्कुल, वो तो है ही, दिख ही रहा है कि जो उसको वहां नहीं होना चाहिए पर्यटक स्थल पर सांड को वो वहां है और वो जो भी कोई दुर्घटना कर रहा है तो अब इसके बाद कोई चीज बचती नहीं है जो साबित करना पड़े। लापरवाही निश्चित तौर पर है और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी निश्चित होगी। ठीक है मनीष जी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए क्योंकि जो विदेशी सैलानी यहाँ पर घायल हुई है उसने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है और उससे फर्क पड़ता है, वाकई में फर्क पड़ता है और हर एक राजस्थानी को फर्क पड़ता है। क्या उसे विशेष सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी और दूसरी क्या उसे वहां पर कोई मिलने के लिए जाएगा? नहीं, अब ये तो जिला प्रशासन जो वहां पर है उसको ये दायित्व बनता है, वो मिलेंगे ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ से कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। नहीं, वो भी निर्देश तो मैंने जैसे कहा कि चूंकि ये खबर इतनी हाईलाइट हुई है तो जो अधिकारी है वो समय उस पर संज्ञान लेंगे और जो कॉग्निजेंस लेने के बाद में जो भी इफेक्टिव रिलीफ हो सकता है टूरिस्ट को वो मिलेगा। चलिए मनीष जी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। विनय जी, फाइनल कमेंट, क्या उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है कि कोई यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा या फिर ढाके तीन पार पहली बार लेना चाहिए मंत्री जी को, उनको अधिकारी से वहाँ बात करनी चाहिए तुरंत, जिससे कि कम से कम सैलानी को थोड़ी राहत मिले, तो कम से कम वो दोबारा आए, कम से कम गलत मैसेज लेके नहीं जाए, इसलिए मंत्री जी को तुरंत ये एक्शन लेना चाहिए। इसलिए विदेश सैलानी को कुछ विशेष सुविधाएं यहाँ पर जरूर देनी चाहिए और उसके पास जिम्मेदार अधिकारी को भी भेजना चाहिए और उससे बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि विश्व पटल पर वाकई में राजस्थान की छवि जो है वो एक बार फिर से दागदार होती हुई नजर आ रही है और जैसलमेर का जो काला सच है वो सबके सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए। तो आज की खबर में बस इतना ही, लेकिन फर्स्ट इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।